सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आज सोचा कि छत पर बैठकर वीडियो बनाया जाए। अभी तक तो घर के अंदर बैठकर ही वीडियो बनाते थे, लेकिन ये धूप इतनी तेज़ है कि आंखें ऐसी चौंधिया जा रही है। खैर, लेकिन अपने विषय पर जब चर्चा करना शुरू करेंगे तो फिर ये सब बातें छट जाएगी। तो अभी के समय में जो सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय बहुजन समाज में बना हुआ है वो ये है कि वामन मेश्राम जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मायावती का चैप्टर क्लोज करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बीएसपी का खात्मा करना ज़रूरी है। और जब से ये जो स्टेटमेंट वामन मेश्राम जी ने दिया, तब से इसके ऊपर बहुत हल्ला मच रहा है सोशल मीडिया पर, बहुजन समाज के लोगों के बीच में। और लगातार इसके वीडियो और वामन मेश्राम पर विभिन्न तरह के आरोप, प्रत्यारोप, फलाना वो सारा चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, आखिर वामन मेश्राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि बीएसपी जो है वो आरपीआई की तरह हो गई है। जैसा कि पहले इतिहास में आरपीआई ने जो गंदा खेल खेला, वही खेल आज के समय में मायावती खेल रही है या बहुजन समाज पार्टी खेल रही है। तो इसके पीछे का क्या मामला है, इसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो इस बात की शुरुआत बामसेब के निर्माण से ही करनी होगी, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बातों को समझना ज़रूरी है। और कुछ डाउट लोगों के है या भ्रम फैलाया जाता है समाज में, उस भ्रम को भी दूर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहन जी हो या वामन मेश्राम, ये बामसेप की ही पैदाइश है। दोनों बामसेप की है। बामसेप जो मौलिक संगठन है, उस मौलिक संगठन से ही निकले हुए ये नेता है। तो इसके लिए हमें बामसेप का थोड़ा सा इतिहास जानने की आवश्यकता है। बहुत लोगों को ये बात पता भी होगी, लेकिन फिर भी मैं उसे कम से कम शब्दों में दोहराना चाहूँगा। तो पहला ये है कि जो बामसेप का कॉन्सेप्ट है 1973 में रखा गया। उसके बाद 1978 में विधिवत रूप से बामसेप की स्थापना हुई। जब स्थापना हुई तो इसके जो संस्थापक सदस्य रहे उनमें माननीयवर काशीराम साहब, माननीयवर डीके खापरडे साहब और माननीयवर दीना भाना साहब, ये तीन ऐसे लीडर थे जिन्होंने बामसेप की स्थापना की, ये फाउंडर मेंबर थे। फिर 1978 के बाद ये बामसेप जो है, चूँकि नॉन पॉलिटिकल, नॉन एजुटेशनल, नॉन रिलीजियस था, टोटल सामाजिक व्यवस्था पर या सामाजिक जन जागृति के लिए समर्पित था, या इसे कह सकते हैं कि गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए बामसेप संगठन का निर्माण किया गया था। अब 78 से ये काम चला, तो 78 के बाद 79, 80, 81। अब 81 में क्या हुआ कि सामाजिक रूप से तो हम समाज में जागृति का अभियान चला रहे हैं, लेकिन लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के ऊपर जो अन्य अत्याचार होते हैं उसके लिए संघर्ष भी करना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1981 में DS-4 बनाया गया। ये DS-4 का फुल फॉर्म है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तब गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करना है, लेकिन गैर राजनीतिक जड़ें केवल मात्र प्रवचन से ही नहीं होगी, बल्कि उसके लिए समाज में संघर्ष भी करके दिखाना होगा। ये एक बात हो सकती है जिसकी वजह से फिर DS-4 का निर्माण किया गया। और DS-4 के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो भी अन्य अत्याचार या जाति के आधार पर जो भी होता था, तो उसके विरोध में संघर्ष करने का कार्यक्रम चलाया गया। इसके बाद माननीयवर काशीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीयवर काशीराम साहब रहे। अब हुआ ये कि इसमें दो तरह की बातें आई कि खापरडे साहब का ये कहना था कि हमने पहले सामाजिक रूप से ही मजबूती देनी चाहिए, सामाजिक रूप से संगठन को मजबूत करना चाहिए, और उसके बाद में राजनीतिक सत्ता की ओर हमने दौड़ लगानी चाहिए। और माननीयवर काशीराम साहब का ये विचार था कि हमने सामाजिक काम कर लिया, जितनी जड़ें हमको लगानी थी लगभग लगा दी, अब आगे का जो संघर्ष है वो सत्ता को ध्यान में रखते हुए हमें करना होगा। केवल सामाजिक काम करने से हम किसी प्रकार का परिवर्तन करने लायक नहीं होंगे, बल्कि हमें सत्ता की दौड़ में तो जाना ही होगा।
तब खापरडे साहब का भी यही था, लेकिन उनका ये कहना था कि पहले सामाजिक रूप से संगठन को मजबूत कर दिया जाए। अब दोनों का उद्देश्य तो सेम था, यानी व्यवस्था परिवर्तन का ही था, लेकिन जो मार्ग है उस मार्ग में थोड़ा सा अंतर पड़ गया। अब काशीराम साहब ने कहा कि नहीं, अब सत्ता के लिए ही काम करना होगा, सत्ता के लिए ही जाना होगा, सारा मामला एक साइड रखो, केवल सत्ता के लिए अब काम करो, सत्ता में जाए बगैर कोई मामला हल होने वाला है नहीं। और खापरडे साहब का था कि नहीं, सामाजिक रूप से गैर राजनीतिक जोड़ों को अभी जितना मजबूत करना चाहिए था, 78 से अगर आप हिसाब लगाए तो 79, 80, 81, 82, 83, 84 मात्र 6 साल ही हुए थे। तो 6 साल में इतना मजबूत सामाजिक संगठन नहीं हुआ था, और 84 की आप कल्पना कीजिए कि उस समय हमारा समाज कितना जागरूक था सामाजिक दृष्टि से। तो खापरडे साहब का ये कहना था कि हमें और जागरूक करने की आवश्यकता है, लेकिन वो मामला कुछ बना नहीं। और माननीय काशीराम साहब ने एक सूत्रीय कार्यक्रम, राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, जिससे हर तरह के ताले खुल सकते हैं, इस दिशा में उन्होंने अपना कुछ कर दिया। अब जब कुछ कर दिया तो खापरडे साहब को अगर आप देखेंगे कि बामसेफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, बामसेफ को बने हुए जितने साल हुए और उसके जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें करीब 3-4 साल का अंतर है, तो 3 से 4 साल लगभग खापरडे साहब ने फिर बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन ही नहीं हुए, काशीराम साहब चले गए थे, बहुजन समाज पार्टी बना दी थी। अब अधिवेशन नहीं हुए तो खापरडे साहब केवल वॉचिंग कर रहे थे, राजनीतिक रूप से तो वो उस विचार के से सहमत नहीं थे, तो सामाजिक दृष्टि से ही वो पहले समाज को मजबूत करना चाहते थे, तो इस वजह से वो 3-4 साल जो है वो बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हुए। और जब फिर बाद में खापरडे साहब को एहसास हुआ कि नहीं भाई, गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना ही पहले जरूरी है, कि सीधे राजनीति में जाने से हम जो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट राजनीति में कार्य करने से वो मामला हल होने वाला नहीं है, तो हमें उसके लिए गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना होगा, इट मीन्स कि सामाजिक संगठन को बहुत ज़्यादा मजबूत करना होगा, समाज में अवेयरनेस लानी होगी और मजबूती के साथ में सामाजिक संगठन को खड़ा करना होगा। तो फिर खापरडे साहब बामसेफ का अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। जब ये शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा कि खापरडे साहब और माननीय काशीराम साहब में किसी प्रकार का कोई आपको विरोधाभास दिखाई नहीं देगा। अगर पुराने जो कार्यकर्ता है उनसे भी अगर आप पूछिए, जो जानकारी मिली है, तो उनमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास ऐसा दिखाई नहीं देता है। काशीराम साहब अपनी दिशा में काम कर रहे थे, सत्ता के लिए काम कर रहे थे, खापरडे साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और खापरडे साहब गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम कर रहे थे, काशीराम साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, कर रहे थे, लेकिन चलो उस विचार से खापरडे साहब सहमत नहीं थे, लेकिन काशीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी का कॉन्सेप्ट रखा तो उसे कैडर बेस्ड पार्टी बनाया था। ऐसा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी बनाई तो केवल मात्र सत्ता 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 जैसे आजकल के जो नेता करते हैं ना, ये काम नहीं किया था उन्होंने, कैडर बेस्ड पार्टी बनाई थी। और कैडर बाकायदा बहुजन समाज पार्टी के होते थे, बहुजन समाज पार्टी में पूर्णकालीन प्रचारक भी थे, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा को लेकर काम कर रही है, इसका समाज में निरंतर प्रचार प्रसार भी हो रहा था, और उस विचारधारा को अब पहली बार तो हमारे लोगों की इतनी अवेयरनेस तो थी नहीं 90 के दशक में, तो जैसे जैसे संपर्क में आते थे लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आता था कि मनुवाद क्या है। बहुत सारे आप कार्यकर्ताओं से पूछिएगा, वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से पता चला मनुवाद क्या है, तो मनुवादी किसे कहते हैं। तो काशीराम साहब ने कैडर बेस्ड पार्टी बनाने का काम लगातार जारी रखा, और खापरडे साहब ने कैडर बेस्ड सामाजिक संगठन बनाने का काम जारी रखा। तो कभी आप भी देखिए, कभी काशीराम साहब ने खापरडे साहब का विरोध नहीं किया, और ना ही खापरडे साहब ने कभी काशीराम साहब का विरोध किया, बल्कि खापरडे साहब जो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम करते थे उसका अल्टीमेटली फायदा तो बहुजन समाज पार्टी को ही होता था। भाई जैसे हम लोग, जब मैं 18 साल का हुआ तो 98 99 में चुनाव थे, तो हम तो बहुजन समाज पार्टी के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आए, हम बामसेफ के डायरेक्ट संपर्क में आए।
लेकिन जब 99 में वोट देने का मामला आया तो हमने तो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट दिया, हमने तो उसी को वोट दिया। तो जो गैर राजनीतिक जड़े खापड़े साहब मजबूत कर रहे थे उसका अल्टीमेट फायदा तो बहुजन समाज पार्टी को ही हो रहा था। अब कई लोग क्या है, कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि या ये कहते हैं कि काशीराम साहब ने कहा कि महारों ने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दिया। अब काशीराम साहब जो ये बात कहते थे, ये कई लोग ये सोचते हैं कि ये खापड़े साहब के लिए कहा, खापड़े साहब महार थे और काशीराम साहब कहते थे कि महारों ने धोखा दिया, तो वो खापड़े साहब पे इस बात को लागू करते हैं और फिर आगे चल के वामन मेश्राम साहब पे भी इस बात को लागू करते हैं। अब मैं ऐसे लोगों को तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये काशीराम साहब की नालायक औलादे हैं जो आंदोलन का अध्ययन नहीं करती है और केवल मात्र विरोध करने के लिए बोलती है। अरे भाई, काशीराम साहब ने जो कहा कि महारों ने धोखा दिया, तो वो खापड़े साहब या वामन मेश्राम के लिए थोड़ी कहा था, ये तो उन महारों के लिए कहा था जो कांग्रेस की दलाली करते थे, जो ब्राह्मणों की दलाली करते थे, जो एक एक सीट के लिए जो है अपनी पूरी की पूरी पार्टी का समझौता कर लेते थे, समाज का जो आबरू है, इज्जत है, जो स्वाभिमान है, उसको एक सीट के लिए बेच देते थे, उन महारों के लिए कहा है। तो महाराष्ट्र में सारे के सारे क्या बिकवी महार थे, क्या स्वाभिमानी नहीं थे? अगर उस समय आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे महाराष्ट्र में वो कौन थे? तो वो तो महारी थे ना। बहुजन समाज पार्टी को चंदा देने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले, बुद्धि हुनर पैसा श्रम पैसा देने वाले, ये कौन लोग थे? 80 और 90 के दशक में आप ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके चल रही थी, ठीक, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चल रही थी। तो 80 और 90 के दशक में महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले कौन लोग थे उस समय? तो वो तो महारी थे ना, और जब महार थे तो महारी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे ना, तो वो कार्यकर्ता बनते थे, वो बहुजन समाज पार्टी को बुद्धि हुनर समय श्रम देते थे। तो फिर जब महार ही बहुजन समाज पार्टी को चंदा भी दे रहा है, कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर रहा है, जो कमिटी होती थी बहुजन समाज पार्टी की उसका संचालन भी महार करते थे, तो फिर काशीराम साहब ने जो कहा कि महारों ने धोखा दिया, तो वो फिर क्या बहुजन समाज पार्टी के महारों के लिए कहा गया? उसके लिए तो नहीं कहा। उन्होंने ये जो बात कही थी ये आरपीआई के लोगों के लिए कही थी, क्योंकि काशीराम साहब ये कोई यूपी की सत्ता तक सीमित रहने वाले व्यक्ति थोड़ी थे, वो तो संपूर्ण भारत की सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। तो सत्ता पर कब्जा करने के लिए तो वो महाराष्ट्र में सत्ता आनी चाहिए, ये भी तो सोचेंगे ना। तो महाराष्ट्र में अगर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता अगर लाना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की सत्ता प्राप्त करने में सबसे बड़ी रुकावट महाराष्ट्र में कौन सी थी? तो आरपीआई की थी। और आरपीआई में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने केवल उसे महारों तक ही सीमित रखा था, अन्य जाति में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो काशीराम साहब ने आरपीआई के लोगों को समझाया था कि हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये 85% होता है, इनको हमने जोड़कर बहुजन का कॉन्सेप्ट रखना चाहिए और उस बहुजन के आधार पर काम करना चाहिए, तो हम केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश की राजनीति पे कब्जा कर सकते हैं। ये बात उन्होंने आरपीआई के लोगों को समझाई थी। आरपीआई ने कहा था कि आप अभी जवान हो, आपको राजनीति नहीं समझ में आती है, और वो आरपीआई को केवल महारों तक सीमित करके रख दिया था। तो इसलिए काशीराम साहब ने कहा कि महारों ने धोखा दिया, तो वो कोई खापड़े साहब के लिए थोड़ी था, वामन मेश्राम जी के लिए थोड़ी था। अब जो लोग उस बात को इधर डाइवर्ट करते हैं तो उसे तो काशीराम साहब की नालायक औलाद ही कहा जाएगा ना, उनके लिए तो था नहीं। तो इसलिए ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो फैलाई जाती है ये एकदम ही गलत बात है। जो वाकई में जो सही बात है, सच्चाई है, उसको समाज के बीच में लाना चाहिए, समाज में उसका प्रचार करना चाहिए। तो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने से बहुजन समाज पार्टी का ही फायदा हो रहा था। तो इस तरह ये मामला चला, दोनों अपने अपने तरीके से, खापड़े साहब और माननीय काशीराम साहब कार्य करते रहे। ये मामला तो तब गड़बड़ हुआ जब मान्यवर काशीराम साहब को ब्रेन स्ट्रोक आया। ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद में ये सारा जो तंत्र है वो बहन जी के पास चला गया। अब जब बहन जी के पास चला गया तो बहन जी
ने ब्राह्मणों के साथ गठबंधन कर दिया। और इधर खापड़े साहब का परिनिर्वाण हुआ। परिनिर्वाण होने के बाद उन्होंने अपना उत्तराधिकारी वामन मेश्राम जी को बनाया। अब वामन मेश्राम जी उसी आइडियोलॉजी के थे कि हमें गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी ऑलरेडी हमारे समाज में पार्टी है, उसी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। आज इतने साल हो गए, आपने कभी सुना वामन मेश्राम के मुँह से कि वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते या सांसद का? वो तो कभी लड़ने की तो बात करती नहीं है। तो वो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का ही काम करना चाह रहे थे और बहुजन समाज पार्टी जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश पार्टी है उसको यूपी से और आगे बाहर पूरे भारत में सत्ता में परिवर्तन करने के लिए सपोर्ट देंगे, इस उद्देश्य के साथ में काम कर रहे थे। लेकिन माननीय काशीराम साहब को ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद बहन जी के हाथ में सारा मामला आ गया और आने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों के साथ में समझौता किया, बीजेपी के साथ समझौता किया, वो मंजूर है, वो तो चल भी सकता है, हो भी सकता है। एज ए पार्टी के साथ समझौता करते सत्ता में आने के लिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। समस्या तो तब खड़ी होती है जब ब्राह्मणों के साथ समझौता होता है। अब ब्राह्मणों के साथ समझौता किया तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वामन मेश्राम जी ने ये बात एकाएक कही हो कि बहुजन समाज पार्टी का खात्मा हो जाना चाहिए और या मायावती का चैप्टर क्लोज होना चाहिए, ये कोई एकदम से कही हुई बात नहीं है। इसके पीछे बैकग्राउंड है, इसके पीछे हिस्ट्री है। तो वामन मेश्राम जी ने कई बार बहन जी से संपर्क करने की कोशिश की या समझाने की कोशिश की, भाई कैडर बेस संगठन है बामसे, पूरे भारत में उसकी शाखाएं फैली हुई है, तो उसका तो बहन जी उपयोग कर सकती थी ना, उसका उपयोग करती सत्ता प्राप्ति के लिए। अगर कल्पना कीजिए कि वामन मेश्राम और बहन जी अगर साथ में गठबंधन या साथ में एक दूसरे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते और हमें कहा जाता कि बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करिए, हमें क्या आपत्ति थी? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और बहन जी पीएम बन जाए इससे हमें क्या प्रॉब्लम? तो वामन मेश्राम को भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो तो हम चाहते ही है ना कि हमारे समाज का आदमी सत्ता में आगे जाए, सत्ता परिवर्तन हो। तो वामन मेश्राम जी ने समझाने का भरसक प्रयास किया, बहन जी लेकिन मानने कोई तैयार नहीं थी, वो तो ब्राह्मणों के साथ में हो गई। अच्छा चलो ब्राह्मणों को साथ में ले लिया, वहाँ तक भी ठीक है, चलो ले लिया भाई, चलो यूपी में आप बोलते ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है, उनके वोट चाहिए, इट्स ओके, ठीक है ले लिया। अब लेने के बाद सारा तुम विचारों में भी परिवर्तन कर रहे हो, सिद्धांतों को भी बदल रहे हो,